सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। तो जैसे मैंने सुबह बोला था, तो चलिए चलते हैं घंटेश्वरी माँ के मंदिर। तो ये हम लोग जा रहे हैं अभी चाँदपुर ब्रिज, जो है महानदी के ऊपर नया ब्रिज। तो थोड़ा सा उसकी खूबसूरती का भी आनंद ले लेते हैं। सीनरी देखिए, नदी तो पूरा मतलब सूखा हुआ है। तो माँ घंटेश्वरी का मंदिर जो है वो संबलपुर से करीबन 33 किलोमीटर के दूरी पर है। तो अभी हम लोग ब्रिज के ऊपर से होकर के जा रहे हैं। बोला जाता है कि माँ घंटेश्वरी सबकी मनोकामना पूरी करती है, और मनोकामना पूरी होने के बाद लोग वहाँ पे छोटा छोटा घंटी सब अर्पित करते हैं। तो माँ का मंदिर जो है छोटा छोटा घंटियों से भर गया है, इसके चलते उनका नाम हुआ माँ घंटेश्वरी। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं। ये मंदिर को आने के लिए नहर के ऊपर एक छोटा सा ब्रिज है, तो मैं वहीं पर खड़ी होके ये थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ। देखिए, तो ये नहर मतलब शायद महानदी से निकला हुआ है। ये तो पावर प्लांट है ना चिपलीमा के पास। तो ये जो है यही छोटा सा रास्ता है पैदल, मतलब छोटा सा ब्रिज जिसको पार करके मंदिर में आया जाता है। तो ये मैं वहीं ऊपर में ही खड़ी हूँ। देखिए नीचे का नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा है सीनरी। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा माँ का दर्शन भी कर लेंगे, मंदिर भी घूम लेंगे। ये जो छोटा सा ब्रिज है ना, यहाँ पे मतलब इतना भीड़ हो जाता है, एक आदमी आ रहा हो तो आपको क्रॉस करने में दिक्कत हो जाएगी मतलब। लेकिन कभी आइए, आप लोग भी घूम के जाइए और माँ का दर्शन कीजिए। अरे वाह, ये लोग तो असल भक्त हैं। देखिए कितना सुंदर बने बैठा हुआ है ये लोग। तो चलिए दर्शन करते हैं। चलिए, दर्शन तो अच्छे से हो गया, माँ हमारी भी मनोकामना पूरी करे। तो अभी चलते हैं वापस। तो ये है रोड, रोड पे जा रहे हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं है संबलपुर से माँ का मंदिर, तो इसलिए जब मैंने इच्छा हो तो कोई भी आ सकता है। तो चलिए, आज का वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा माँ का मंदिर। और अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।